हेलो फ्रेंड, मैं रेखा मेहर गार्डन से आपका स्वागत करती हूं। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूं आप बहुत अच्छे होंगे और गार्डनिंग में मस्त होंगे। दोस्तों, नस्टेशियम में देखिए फ्लावर आने चालू हो गए और ये सीड से मैंने ग्रो किए थे। दोस्तों, ये टाइम ऐसा है कि इस वसंत ऋतु आ गई है और अब जो डोरमेंसी में प्लांट थे उनका ग्रोथिंग पीरियड आ गया है। तो दोस्तों, आपने अपने बेला के साथ, आज मैं बताऊंगी कि आप अपने बेला प्लांट के साथ आपको कुछ काम करने हैं जो आपके बेले में फ्लावर नहीं आ रहे थे, जो डोरमेंसी में थे, अब इनका ग्रोथिंग पीरियड आएगा। तो अभी भी बेला के साथ हमें कुछ काम करने होते हैं, तो वो टाइम आ गया है। तो आप अपने बेला प्लांट को निकालिए और उनको क्या क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप अपने बेला प्लांट को देखिए, यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं कि ग्रोथ चालू हो गई है, क्योंकि ये अभी इस समर इनका ग्रोथिंग पीरियड होता है, तो इसमें अच्छे से फ्लावर आएंगे। तो क्योंकि जब फ्लावर आएंगे तो हमें उनको कुछ न्यूट्रिशन खाद वगैरह ज़रूर देना है। तो सबसे पहले आपको अपने प्लांट के साथ प्रूनिंग करनी है। दोस्तों, प्रूनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जितनी अच्छी प्रूनिंग करेंगे आपका प्लांट उतना घना और बूसी हो जाएगा। जो डेड टहनियां हैं उनको हटा दीजिए और प्रूनिंग करेंगे तो न्यू शूट्स आएंगे और आपका प्लांट घना और बूसी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको प्रूनिंग करनी है। हार्ड प्रूनिंग भी लोग करते हैं और आपका प्लांट अगर छोटा है तो सॉफ्ट प्रूनिंग करें, ऊपर की टिप को कट कर दें। इस तरह से आप देखिए, मैंने सारा कट कर दिया है और मैं इस तरह से इसकी जो सूखी हुई पत्तियां वगैरह जो प्लांट में रखी हैं उनको हटा देना है और एक गुड़ाई करना है। दोस्तों, गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। देखिए कितनी ही हार्ड मिट्टी हो गई है, क्योंकि ये 3-4 महीने से ऐसे ही पड़े हैं। इनकी कोई केयर नहीं हो रही, बस पानी ही इनको दिया जाता था क्योंकि इनका ग्रोथिंग पीरियड नहीं था। तो इस तरह से गुड़ाई करें और गुड़ाई करने के बाद सारी मिट्टी को बाहर निकालें। आपको 2-3 इंच की मिट्टी, गमले से मिट्टी को बाहर निकालना है, खाली करना है, जिससे कि और इसकी जड़ों को हवा भी लग जाएगी और ऑक्सीजन मिल जाएगा और दोस्तों इनको धूप भी लग जाएगी। तो अगर आप चाहो तो एक दिन छोड़ सकते हैं, एक दिन छोड़ देंगे तो ये बहुत ही बेस्ट होगा। तो ये देखिए, मैंने 2-3 घंटे के लिए ही इनको छोड़ दिया था और अब मैं मिलाऊंगी इसमें कुछ फर्टिलाइज़र, जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सब मिलाएंगे तो आपके प्लांट फूलों से लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने गोबर की खाद ली है, आप चाहो तो वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। मैं 2 प्लांट के लिए ये खाद बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने सीवीड के दाने लिए हैं, यहाँ पे मैंने NPK डाल दिया है थोड़ा सा, और यहाँ पे है ये दोस्तों एग सेल, अंडे के छिकले का पाउडर, यहाँ पे 10-12-15 दाने DAP के हैं, नीम खली डाली है और सरसों खली का पाउडर डाला है। ये सब अगर आप अपने प्लांट को देंगे तो आपके प्लांट तो बहुत अच्छे से फूल आएंगे, क्योंकि इसमें पूरा नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस, जिंक और दोस्तों थोड़ी सी राख भी डाल देनी है। वो डैश डाल देंगे तो आपके प्लांट में फंगस भी नहीं लगेगा और बहुत ही अच्छे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपके प्लांट में मिल जाएंगे। कैल्शियम का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है वो डैश। तो इस तरह से आप अच्छे से मिक्स करके ये फर्टिलाइज़र आप 2-3 मुट्ठी किनारे से बिल्कुल जड़ों के बीचों बीच नहीं आपको डालना है। तो ये देखिए इस तरह से किनारे से डाल देना है और जो मिट्टी हमने निकाली थी उस मिट्टी से ये फर्टिलाइज़र कवर कर देंगे। फर्टिलाइज़र को कवर करना बहुत ज़रूरी है, वरना दोस्तों इसमें उतने ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं। अगर आप ऊपर फर्टिलाइज़र डाल देते हैं तो ये फर्टिलाइज़र भाप बन के उड़ जाता है, धूप से इसको नुकसान हो जाता है। तो इसलिए आपको अपने फर्टिलाइज़र को मिट्टी से कवर करना बहुत ज़रूरी है। दूसरे प्लांट में भी मैंने ये फर्टिलाइज़र डाल दिया है। आप चाहो, आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है तो आप गोबर की खाद और बनाना पील का ड्राई फॉर्म भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास NPK सीवीट नहीं है तो आप सिर्फ गोबर की खाद और बनाना पील का छिकल डाल सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों पानी डाल देना है। पानी इतना ही डालें कि पानी गमले से नीचे ना आ जाए। तो इस तरह आप अपने प्लांट और आपके पास जो इसकी कटिंग बची हो उसको आप अगर लगा देंगे, ये कटिंग का ग्रोथिंग पीरियड है, अगर आप इसकी कटिंग लगा देंगे तो आपकी ये कटिंग भी लग जाएगी और आपके प्लांट को खाद भी मिल गई है। तो ये सब काम करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, और बस उतना ही पानी डालें कि गमले से नीचे ना आए। तो ये सारी जानकारी आपको मेरी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और आप भी अपने मोगरा प्लांट के साथ ये काम ज़रूर करें और अपना ध्यान रखें दोस्तों, और गार्डनिंग ज़रूर करें। बाय बाय। यहाँ पे दोस्तों ये देखिए मेरी मॉर्निंग ग्लोरी है, बहुत सुंदर से फूल आने वाले हैं इसमें। तो इस तरह मेरा गार्डन